बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप कैसे हैं? सिलाई कढ़ाई चैनल में आपको खुश आमदेद। मेरे साथ रहिए और हुनरमंद बनिए। मैं अपनी स्किल के ज़रिए आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी जो कि सिलाई में और स्टिचिंग में और पैटर्न मेकिंग में हमारे लिए बहुत अहम होंगी। और जनाब, ये है मैनिकन। मैनिकन आपने अक्सर बुटीक्स पे देखा होगा और ये डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। बुटीक्स पे आपने देखा होगा जहाँ पे आप इसमें डिस्प्ले मुख्तलिफ ड्रेसेस जो होते हैं रवायती और जदीद इस पे डिस्प्ले किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात मैं आपको बता दूँ, डिज़ाइनर जो हैं इसको फैशन डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं एज ए मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की का होता है और ये स्टैंडर्ड साइज़ में है और स्टैंडर्ड साइज से ही हम इससे स्मॉल और लार्ज में जाते हैं। तो गाइस, ये हमारा मैनिकन है। मैनिकन से कैसे हम लोग लेते हैं मेजरमेंट लेते हैं और इससे हम पैटर्न बनाते हैं और डिज़ाइनिंग करते हैं। और दूसरे नंबर पे इसमें हम ये वो भी कर सकते हैं, ड्रिपिंग भी करते हैं। ड्रिपिंग का लफ्ज़ मेरे जहन से निकल गया था इसलिए थोड़ा टाइम लगा बोलने में। तो गाइस, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ पे नेक लाइन है। नेक लाइन से हम सबसे पहले मेजरमेंट लेते हुए हम यहाँ इसके वेस्ट पे आते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 1 से लेके 14 इंच। और अगर कि कोई किसी की बॉडी हेल्थी है या चेस्ट हेल्थी है तो इसका होगा 1 इंच से लेके 15 इंच, ठीक है। और ये उसके बाद यहाँ उनकी दूसरी लाइन हम लेंगे, शोल्डर लाइन, ठीक है। पहले हम लोग शोल्डर इसको कहते थे लेकिन नहीं, ये जो उर्दू में तीरा हो, मेजरमेंट के लिए दूसरी लाइन हमारी होगी शोल्डर लाइन। उर्दू में हम इसको तीरा बोलते हैं और इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में हम इसको शोल्डर लाइन कहते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी लाइन आएगी आर्म होल, बाजू के लिए जो बाजू लगते हैं उसको आर्म होल बोलते हैं। और आर्म होल के बाद हमारी आएगी ये लाइन, बस्ट लाइन आ जाती है, ये हमारी चेस्ट लाइन आ जाएगी, ये हमारी वेस्ट लाइन है, और फाइनल लाइन जो हमारी होती है हिप लाइन होती है। ये जो इन लाइंस के मुताबिक हम लोग इसकी फिटिंग बनाते हैं, शर्ट की, ब्लाउज़ की, बेसिक ब्लाउज़ की, कोट की, जो भी आप फ्रॉक का ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं, साड़ी का ब्लाउज़ बनाने जा रहे हैं, या आप एक और लफ्ज़ दें, या अगर आप मैक्सी की फिटिंग लेने जा रहे हैं तो ये हम लोग इन लाइंस के थ्रू अपनी फिटिंग लेंगे। तो कौन कौन सी लाइंस हैं आप एक मरतबा फिर दोहराइए, शोल्डर लाइन, बेसिक लाइन सबसे पहले होगी, नेक लाइन से लेके वेस्ट लाइन, सेकंड नंबर पे आपकी लाइन होगी शोल्डर लाइन, फिर आर्म होल, बस्ट लाइन, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन, और उसके बाद आपकी कौन सी लाइन आ जाएगी, हिप लाइन। और यही बेसिक हमारी मेजरमेंट की लाइंस है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी बेसिक ब्लाउज़ का, तो आप मेरे साथ रहिएगा। आप सीखना चाहेंगे जदीद तर्ज की पैटर्न और जदीद तर्ज का पैटर्न और लिबास बनाना सीखना चाहते हैं या रवायती, तो सिलाई कढ़ाई चैनल के साथ आप टच में रहिएगा और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको बहुत मज़े मज़े की टिप्स और टिप्स मिलेंगी।